दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और जल्द ही आईएएस बनेंगे आप लोग। निश्चित रूप से मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं और मनोज आईएएस की ओर से आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं रक्षाबंधन की और बकरीद के लिए मुबारकबाद। और शुरू करते हैं आज आंसर राइटिंग का, जो हिंदी आंसर राइटिंग का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि एक व्याख्या है इसकी, कुछ प्रश्नों पर उत्तर कराएंगे जिसमें पांच प्रश्न आपके शामिल होंगे, पांचों प्रश्नों पर उत्तर कराएंगे और निराला के राम की सख्त पूजा पर। ठीक है, तो हमारे लिए बने रहने के लिए मनोज आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमेशा हमसे जुड़े रहें। तो बात करते हैं राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा एक आख्यानात्मक काव्य है। विचार करें, क्या राम की शक्ति पूजा एक आख्यानात्मक काव्य है? इसकी व्याख्या करनी है, काव्य पर विचार करें तो इसका उत्तर देखते हैं। राम की शक्ति पूजा पौराणिक आख्यान, राम की शक्ति पूजा पौराणिक आख्यान पर आधारित एक लंबी प्रबंधात्मक कविता है। आख्यान का अर्थ होता है अत्यंत विख्यात कथा। आख्यान का अर्थ क्या होता है? अत्यंत विख्यात कथा। ऐसी कथा जो विख्यात है, तो रामायण महाभारत ऐसी कथाएं हैं जो प्रायः जो है हर एक जगह पर जाने, इसके बारे में लोग जानते हैं और हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ भी है रामायण, तो इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं और हर जगह ये प्रचलित है। जब कोई कवि किसी लोक प्रसिद्ध कथा को आधार बनाकर उसके माध्यम से अपनी अनुभूति संप्रेषित करता है तो ऐसी कविता को आख्यानात्मक कविता कहलाती है। राम की शक्ति पूजा भी इसी प्रकार की कविता है, क्योंकि महाकाव्य जो है ये आपका राम की शक्ति पूजा है, यह रामायण महाकाव्य पर आधारित है। तो निश्चित रूप से रामायण एक पौराणिक कथा है और लोक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है और इस पर आधार बनाकर लिखी गई है, तो निश्चित रूप से राम की शक्ति पूजा क्या है? आख्यानात्मक काव्य है। आख्यानात्मक पौराणिक भी हो सकते हैं और ऐतिहासिक भी। आख्यानात्मक जो ग्रंथ होते हैं, आख्यान ग्रंथ, वो प्रायः जो है पौराणिक भी हो सकते हैं और ऐतिहासिक भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए राम की कथा एक पौराणिक आख्यान है, क्योंकि वहां पर आस्था का विषय है, क्योंकि यहां पर आस्था का विषय है, ऐतिहासिक प्रमाणों का नहीं। किंतु कालिदास का महाकवित्व और अशोक की सहिष्णुता इतिहास द्वारा प्रमाणित होकर भी आज समाज में आख्यान के स्तर पर लोकप्रिय है। अतः ये गलत छप गया है, इस पर ध्यान नहीं देना है। अतः कथानक के आधार पर के रूप में एक पौराणिक या मिथकी आख्यान को स्वीकार करती है, इसीलिए इसे आख्यान काव्य कहने में कोई समस्या नहीं हो रही। तो निश्चित रूप से ये क्या है? एक आख्यान काव्य है, इसमें कोई भी समस्या किसी प्रकार की नहीं है। इसीलिए नहीं है कि निराला ने आख्यान काव्य क्यों लिखा, निराला ने आख्यान काव्य क्यों लिखा। अगर इसकी बात करें तो निराला का जो आख्यान काव्य है, यह जो है आख्यान काव्य क्यों लिखा है प्रश्न है, इसलिए नहीं कि भक्ति करना चाहते थे। इसीलिए नहीं, उन्होंने आख्यान काव्य लिखा क्योंकि भक्ति चाहते थे, निराला भक्ति से बहुत दूर थे, बल्कि इसलिए कि एक साथ कई संवेदनाओं, इन्होंने जो आख्यान काव्य लिखा एक साथ कई संवेदनाओं को संप्रेषित करना चाहते थे जो प्रतीकों के माध्यम से ही संभव था। इसलिए निराला ने कई संवेदनाओं को संप्रेषित करने के लिए जो प्रतीकों को माध्यम बनाया, यही आपको बता दें, यही इसके आख्यान का कारण बना, इसीलिए इन्होंने आख्यान काव्य लिखा। पौराणिक आख्यान या मिथकीय के माध्यम से कही गई बात का असर बहुत गहराई तक होता है। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक या मिथकीय बात को अगर कोई व्यक्ति व्यक्त करता है तो निश्चित रूप से यह बात बहुत गहराई तक हृदय को छू जाती है।
बहुत से अनावश्यक वर्णों से कविता बच जाती है और पाठक वर्ग की स्वीकृति भी सहजता से मिलती जाती है। चाहे तो कुछ तुलना करके आप देख सकते हैं। तुलना अगर करें तो आप ये जानते हैं हिंदी साहित्य में सूरदास जी प्रसिद्ध हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको तो हिंदी का जो है पुष्टमार्गी जहाज कह डाला है। तो सूरदास कृष्ण का आख्यान करते हैं, किसकी व्याख्या करते हैं, कृष्ण को आधार मानकर कविता लिखते हैं, कृष्ण को आधार मानकर पद्य की रचना के। तुलसीदास राम को आख्यान मानकर कविता लिखे। जायसी ने पद्मिनी हीरामन सुए की कहानी को लिखकर, गुप्त जी ने साकेत में राम की कहानी को लिखकर किया। जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद ने जो है अन्य लोगों को आधार मानकर, जैसे उन्होंने आप इसको मनु और जो है श्रद्धा और ईड़ा को आधार मानकर महाकाव्य की रचना की। द्वापर में श्री कृष्ण की कहानी, द्वापर में श्री कृष्ण की कहानी, हरियोग ने प्रिय प्रवास में कृष्ण की कहानी, प्रसाद ने कामायनी में मनु की कहानी, धर्मवीर भारती ने अंधायुग में कनुप्रिया कृष्ण का आधार माना। इस तरह से एक आख्यानात्मक काव्य की परंपरा आने लगी और इसी परंपरा में निराला की राम की शक्ति पूजा भी है, लेकिन निराला का उद्देश्य भक्ति करना नहीं था, बल्कि भक्ति के माध्यम से वर्तमान युगीन परिस्थितियों को संकेतात्मक और प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करना था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न है आपका, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, पंक्ति के आधार पर राम की शक्ति पूजा की द्वंद्वात्मक संरचना पर प्रकाश डालें। आपको बता दें ये पंक्ति है, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक्कार है ऐसे जीवन को जो अपने जीवन में हमेशा क्या पाया, विरोध ही पाया, ऐसे जीवन को धिक्कार है। इस पंक्ति के आधार पर राम की शक्ति पूजा में द्वंद्वात्मक भाव को व्यक्त करना, उभयपदीय बातों को व्यक्त करना है। इसका उत्तर है कैसे लिखेंगे, उत्तर है राम की शक्ति पूजा अपनी वाह्य संरचना में चाहे कविता हो भीतरी स्तर पर नाटकीयता के गुणों से आप्लावित है। निश्चित रूप से ये राम की शक्ति पूजा जो है, आपको बता दें यह जो है अपने आप जो है नाटकीयता से अप्लावित है, जिसकी मूल वजह इसकी द्वंद्वात्मक संरचना ही है। कविता में निहित इस द्वंद्व का चरम बिंदु धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध में नजर आता है, क्योंकि यहां पहुंचकर राम का धैर्य चूक जाता है और उनका वह मन उठ खड़ा होता है जो दैन्य और विनय को जानता ही नहीं, जनता की नहीं। स्पष्ट है कि द्वंद्वात्मकता की चरम स्थिति को द्योतित करता हुआ यह काव्य कविता में निहित नाटकीयता का सर्वोच्च स्तर है। इसकी महत्ता को समझने के लिए कविता के आरंभ से ही उस द्वंद्व को देखना होगा जो इस पंक्ति में आकर घनीभूत हुआ है। कविता शुरू से अत्यंत अंत तक भावों के द्वंद्व पर टिकी हुई है। विस्तार में लिखें तो यह नाटकीयता है, यह क्या है, नाटकीयता है। भारतीय पश्चिमी नाट अवस्थाओं की संक्षिप्त चर्चा करें, अत्यंत संक्षेप में प्रकाश और अंधेरे में द्वंद पर भी लिखें। धिक जीवन वाले कथन की अगर बात करें, धिक जीवन वाले कथन से पहले जितना भी द्वंद है वह चरम बिंदु से पहले का है। अगर बात करें तो उसमें प्रत्येक विफलता के बावजूद राम को यह विश्वास है कि वे अपने नैतिक मार्ग पर चलकर अंततः सफल हो जाएंगे, किंतु शक्ति द्वारा पूजा का प्रिय इंदिवर चुरा लेने के बाद वे निराशा
के उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अपने नैतिक साधनों से ही मोहभंग होने लगता है, तभी इस आत्मधिकार धिकार की प्रक्रिया में उनका वह मन जाग उठता है। वास्तव में उनका मन तब जाग उठता है जब जो झुकना या पराजित होना जानता ही नहीं, इसी मन के सहारे वे अपनी आंखों चढ़ाने को तत्पर होते हैं और शक्ति उनके पक्ष में आने को बाध्य हो जाती है। इस अर्थ में कहा जा सकता है कि धिक जीवन वाली पंक्ति ही इस कविता का टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट में कविता का मोड़ है और यदि यह स्थिति न आती तो कविता होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन, होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन की सुखद परिणति तक न पहुंच पाती। इतने से भी पूरा न हो तो संकेत करें कि यह आत्मधिकार एक अर्थ में राम का, दूसरे में निराला का, तीसरे में गांधी का है, संकेत मात्र है। वास्तव में यह संकेत क्या है? राम पहले हैं, निराला दूसरे हैं और तीसरे में गांधी हैं। इन समस्त को अधैर्य से दूर लाकर खड़ा कर देता है। अगला है प्रश्न है अगला, निराला की मानसिक काव्यता, निराला की मानसिक काव्यता की सिद्धि है राम की शक्ति पूजा। भूमिका देखें, कवि और कविता में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। कवि और कविता में क्या होता है? द्वंद्वात्मक संबंध होता है। कवि और कविता दोनों एक दूसरे के विपरीत द्वंद्व करते हैं, संघर्ष करते हैं। प्रत्येक कवि चाहता है कि अपनी अनुभूतियों की सटीक अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति का ऐसा ढांचा तैयार कर लें जिसे इलियट की भाषा में वस्तुनिष्ठ समीकरण या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहा जाता है। किंतु सच यह है कि कविता कवि जो कहना चाहता है और वह जो कह पाता है उसमें अंतराल बना ही रहता है। प्रसिद्ध दार्शनिक, पाश्चात्य दार्शनिक जो है इलियट की अनुभूति निश्चित रूप से यहां पर सटीक बैठ रही है। किंतु सच यह है कि कवि जो कहना चाहता है और वह जो कह पाता है उसमें अंतराल बना ही रहता है। कवि जो कहना चाहता है और जो कह देता है इसमें सदैव क्या बना रहता है? अंतराल बना रहता है। आज्ञेय के शब्दों में कहें तो हर कवि शब्द और अर्थ के माध्य में खड़ी दीवार को विस्फोटक लगाकर उड़ा देना चाहता है। प्रत्येक कविता का कवि यह चाहता है जो कविता और कवि के मध्य में जो दीवार खड़ी है उसको क्या किया जाता है? विस्फोटक लगाकर उड़ा देना चाहता है। किंतु वह दीवार को तोड़ नहीं पाता। भाव यह है कि कवि के मन में कविता का जो रूप होता है वह कागज पर उतरने वाली कविता से अलग होता है। इसीलिए पाठक चाहे कितनी भी प्रशंसा करे कवि इस पीड़ा से नहीं उबर पाता कि जो उसे कहना था वह कहा नहीं जा सका। कभी कभी किसी कविता में ऐसा होता है कि कवि अपने मानसिक प्रतिमानों के अत्यंत नजदीक पहुंच जाता है और लगता है कि कवि स्वयं को पूर्णता में व्यक्त कर सका है। राम की शक्ति पूजा इसी अर्थ में निराला की मानसिक काव्य यात्रा की सिद्धि मानी जाती है। निराला ने कविता और शब्द के मध्य में जो दीवार होती है उसको तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। यही कारण है कि यह कविता निराला की सिद्ध कविता के रूप में जानी जाती है। एक साथ रोमांटिक और क्लासिकल धाराओं पर खरी उतरने वाली कविता निश्चित रूप से राम की शक्ति पूजा है। राम की शक्ति पूजा निश्चित रूप से इस तरह की कविता है। ये जो है निराला के जो प्रश्न उत्तर की बात कर रहे थे ये इसका
प्रमुख प्रश्न उत्तर है ये। और इसके बाद जो है अगला जो प्रश्न है आपका वो जो है हाँ हो गया।